सीताराम, ये वीडियो बनाना सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना व्यूज़ पाएगा, कितना व्यूज़ जाएगा इस वीडियो पे, क्या होगा, वायरल होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लेना देना ये चीज़ों से, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे वीडियोज़ के कोई पैसे नहीं मिलते। वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि ये जो डिटेल्स है वो किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँच सके जिसे कुछ नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, और ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है अच्छी तरह से, या फिर अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है सोशल मीडियाज पे, वेरीफाइड जो होते हैं, जहाँ पे फेक न्यूज़ ना मिले, या फिर ऐसी जगह या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसी जगह से ना जुड़े हों, तो उनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियोज़ प्लीज़ सब लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके साथ हो सकता है। और आपको लग रहा है ये अगर फार्म बिल, यार ये फार्म बिल के लिए हो रहा है या फिर ये सिर्फ किसानों के लिए हो रहा है, दोस्त यार मतलब कैसे समझाऊं मैं, मतलब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक साथ कभी जुड़ ही नहीं रही हैं। ये सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, भारत को तोड़ने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोग इसमें पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो तुम्हारे देश में हैं, तुम्हारे सामने, क्या पता वो तुम उनकी रोज़ वीडियो देखते हो, रोज़ उनके न्यूज़ पोर्टल्स देखते हो या फिर न्यूज़ चैनल्स देखते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि वो असली चीज़ चाहते क्या है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ में कांग्रेस पार्टी भी है। अगर मेरी इस वीडियो को कोई कांग्रेस सपोर्टर देख रहा है, अगर भाई तुम्हें अभी भी लगता है यार कि तुम कांग्रेसी हो और जो भी चीज़ें हैं, तुम देशभक्त हो, कुछ हो, तुम देशभक्त हो गए मैं मान रहा हूँ, पर अगर तुम कांग्रेसी हो, इस चीज़ को तुम अगर नकार रहे हो, तो भाई यार तुम्हारा मतलब देशभक्त होने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। क्योंकि अब तक 60 दिनों में 70,000 करोड़ का देश का नुकसान हो चुका है। हम वही लोग हैं जो बोलते हैं भारत की GDP नहीं बढ़ रही, भारत ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। अरे यार भारत ग्रोथ कैसे करेगा, भारत को हम ग्रोथ करने ही नहीं देते। हर 2-4 महीने बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट आता है जिसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं देश के। 60 दिनों में 70,000 करोड़, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। इतने पैसे में एक नया इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकता है, ये इतना बड़ा अमाउंट है, और फिर भी हम ध्यान नहीं देते ऐसी चीज़ों पे। यार तुम हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, तुम कांग्रेस वाले हो, कोई भी हो यार, तुम इसमें जितनी भी लेफ्ट विंग की पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, शिवसेना, बहुत सारी पार्टियाँ हैं यार, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, ऐसी बहुत सारी पार्टी, भाई तुम सब बर्बाद हो चुके हो उनके अंदर। तुम लोग असली चीज़ देखना ही नहीं चाहते। ये लोग इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इनके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं, फिर भी तुम लोग यार ऐसे लोगों को देखते हो, उनके ऊपर बिलीव करते हो कि ये सच दिखा रहे हैं। कैसे हो सकता है ये, जो आज तक फेक न्यूज़ दिखाता आ रहा है वो असली न्यूज़ कैसे दिखाएगा। ये देखो कितना बर्बाद हुआ है पूरे देश का 60 दिनों में, कितने रुपये बर्बाद हुए इस देश के। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये एक सिर्फ किसान बिल के लिए हो रहा है, दोस्त यार कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, ग्रेटा ये कौन है, ये कोई नहीं है यार, ये 18 साल की स्कूल ड्रॉप आउट लड़की है जो हाउ डे यू ये बोल के फेमस हो गई। मतलब तुम समझ रहे हो, इसने ये फेमस होने का इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ये बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को मतलब बोलती है, मतलब उनका नाम लेके ऐसा बोला इसने, और हाउ डे यू मतलब ये कैसा, मतलब ऐसे लोग फेमस हो जा रहे हैं यार जो जिन्होंने ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया। ये अपने आप को बोलती है पर्यावरण रक्षक, बोलती है अपने आप को ये। तुम इससे बस इतना एक बार पूछ लेना या फिर तुम देख लेना इसने कितना काम किया पर्यावरण के लिए, इसने जीरो। जिस एज में ये है भैया, हमारे देश में वैसे 80-80 साल के बूढ़े लोग हैं यार, जिन्होंने अपने अगल बगल पूरा जंगल खड़ा कर दिया, पूरा जंगल, लाखों पेड़, हजारों पेड़ लगाए हैं लोग। ये देखो वो सारे नाम है, ये पूरे नाम है, ये ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, ना कि वो ग्रेटा, रिहाना, मियां खलीफा, ये लोग को कुछ नहीं पता हमारे देश के बारे में। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, पर इनको फंडिंग इतनी जा रही है कि इनको बोलना पड़ रहा है। वो टूल किट जो लीक हुआ था वो सब का सब सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं था। हमारे देश के ऐसे ऐसे लोगों का उसमें नाम है यार, मतलब द वायर, प्रिंट, मतलब ऐसे ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं यार, मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे लोग इसमें, ध्रुव राठी है यार,
आकाश बैनर्जी है, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता है जिनका नाम आया है यार। अगर तुम्हें अभी भी लगता है भैया ये सिर्फ कांग्रेस और ये फार्म बिल और ये सब चीज़ों की ये विरोध में हो रहा है, तो भैया कब समझोगे यार, ये देश टूटने वाला है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी आँखें बंद करने की वजह से एक दिन ऐसा होगा कि ये देश अलग अलग हो जाएगा। पाकिस्तान जब बना था तो ऐसे ही हुआ था, क्योंकि लोगों के पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है उस टाइम पे। अगर अब नहीं समझे तो यार कब समझोगे। सीताराम।